दोस्तों भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के दौरे पर है, जहां पर पहला टेस्ट मुकाबला खत्म हो चुका है और दूसरा टेस्ट मुकाबला चल रहा है। दूसरे दिन का मैच समरी और रिकॉर्ड्स, विराट कोहली क्यों नहीं खेले दूसरा टेस्ट मैच, क्यों श्रेयस अय्यर की जगह पर मिला हनुमा विहारी को मौका, चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे का करियर एक इनिंग पर कैसे लटका, शार्दुल ठाकुर का तूफान और भी ढेर सारी भारत और साउथ अफ्रीका दोनों ही टीमों को लेकर बड़ी न्यूज अपडेट्स आपको बताने वाले हैं। यह हमारे भारत और साउथ अफ्रीका अपडेट सीरीज का छठा पार्ट है, तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, इसलिए वीडियो को पूरा अंत जरूर देखें। और आप भी चाहते हैं भारतीय टीम टेस्ट सीरीज जीते तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही मजेदार वीडियोस आपके लिए हम हर दिन लाते हैं। चलिए देखते हैं अपना सबसे पहला अपडेट। दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला शुरू हो चुका है, जिसमें कल दूसरे दिन का खेल खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने अपने ही पहले इनिंग में 202 रन बनाए थे और दूसरे दिन का खेल खत्म होते होते में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका की टीम को 229 रन पर ऑल आउट कर दिया। और भारतीय टीम का दूसरा इनिंग शुरू भी हो चुका है, जिसमें कि अभी तक भारतीय टीम का 85 रन है और केएल राहुल और मयंक अग्रवाल आउट हो चुके हैं। इसके साथ ही चेतेश्वर पुजारा 35 रन खेल रहे हैं और अजिंक्य रहाणे 11 पर, और भारतीय टीम ने 58 रन की लीड ले ली है। तो यह थी कल की पूरी मैच समरी, और बाकी की पूरी अपडेट्स आपको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर देंगे और देते रहते हैं। और आज दोपहर 1:30 बजे से तीसरे दिन का खेल शुरू होना है, हालांकि बारिश से एक रुकावट बन सकता है, जिसके बारे में आपको वीडियो में आगे बताएंगे, तो वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखें। चलिए देखते हैं अपना दूसरा अपडेट। दोस्तों दूसरा टेस्ट मुकाबला शुरू होने से पहले भारतीय क्रिकेट फैंस को तगड़ा झटका लगा, जहां पर अचानक से पता चला कि दूसरे टेस्ट मुकाबले में विराट कोहली नहीं खेलेंगे और उनकी जगह पर केएल राहुल कप्तानी करेंगे। यह झटका इसलिए था क्योंकि एक तरफ भारतीय टीम इतिहास रचने के इतना नजदीक है और दूसरी तरफ विराट कोहली नहीं खेल रहे हैं। वैसे आपको बता दें, विराट कोहली इसलिए नहीं खेल रहे थे क्योंकि विराट कोहली का पीठ में दर्द आ गया था अचानक से मैच शुरू होने से पहले। और दोस्तों खबर ऐसी भी आ रही है कि विराट कोहली का जो पीठ का दर्द है, वह यदि कहीं थोड़ा सा भी सीरियस होता है तो फिर वह पूरे टेस्ट सीरीज से बाहर हो जाएंगे। वैसे हम तो दुआ करते हैं ऐसा ना हो। इसके साथ ही जसप्रीत बुमराह वाइस कप्तान बनाए गए हैं। चलिए देखते हैं अपना तीसरा अपडेट। दोस्तों कल भले ही पहला और दूसरा दिन बिना रुकावट का खेल हो गया हो, लेकिन आज तीसरे दिन बारिश होने का बहुत ज्यादा संभावना है और आज के मुकाबले में भारतीय टीम के पास मौका है काफी सारे रन बनाकर साउथ अफ्रीका की टीम से 200 से 300 रन का लीड लेने का। लेकिन इसमें बारिश अड़चन डाल सकता है। जितने भी बड़ी वेदर फोरकास्टिंग एजेंसी हैं, उन्होंने यह प्रेडिक्शन किया है कि आज के दिन बारिश होगा जोहान्सबर्ग में। वैसे इस पर जो भी अपडेट आएगा आपको मैच शुरू होने से पहले अपने टेलीग्राम चैनल पर देते रहेंगे रियल टाइम में, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। चलिए देखते हैं अपना चौथा अपडेट। दोस्तों दूसरा टेस्ट मुकाबला शुरू होने से पहले जब विराट कोहली नहीं खेल रहे थे, तब उनकी जगह पर उम्मीद था सबको कि श्रेयस अय्यर को मौका मिलेगा, लेकिन श्रेयस अय्यर की जगह पर हनुमा विहारी को मौका दिया गया और हनुमा विहारी ने निराशा किया, मौके का फायदा नहीं उठाया। और जब बीसीसीआई से यह पूछा गया कि आखिर श्रेयस अय्यर को मौका क्यों नहीं मिला, तब बीसीसीआई ने इसका जवाब दिया कि श्रेयस अय्यर के पेट में अचानक से दर्द हो गया, जिसकी वजह से वह दूसरे टेस्ट के लिए कंसीडर नहीं किए गए थे। इसी तरह से अजिंक्य रहाणे भी अचानक से मुंबई में हुए दूसरे टेस्ट मुकाबले से अचानक से गायब हो गए थे। चोट लगना और इंजरी कोई सरप्राइज का बात नहीं है खिलाड़ियों के लिए, लेकिन लास्ट मिनट इंजरी होना कहीं ना कहीं बीसीसीआई पर सवाल खड़े कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि बीसीसीआई मीडिया को मिसलीड या गुमराह कर रहे हैं। आपको क्या लगता है हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वैसे दोस्तों अभी फिलहाल बिग बैश लीग चल रहा है, ऊपर से भारत और साउथ अफ्रीका के मुकाबले चल रहे हैं, इसके साथ ही क्रिकेट के बहुत सारे मुकाबले चल रहे हैं और यह सारे मुकाबले आप स्टार पंटर ऐप पर खेल सकते हैं। बिग बैश लीग और क्रिकेट के सारे मुकाबले स्टार पंटर पर चल रहे हैं और इन मुकाबलों में आप अपनी फैंटेसी टीम बनाकर खेल सकते हैं। इसमें फैंटेसी टीम बनाना बहुत ही आसान है और यहाँ पर कॉम्पिटिशन भी कम है, जिसकी वजह से आपके जीतने के चांस भी ज्यादा रहते हैं। इन मुकाबलों में पैसे लगाकर पैसे कमा सकते हैं, हर तरह से खेल सकते हैं आप। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऐप को डाउनलोड करें, उसे इंस्टॉल करें, फिर आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऊपर राइट साइड में सेकंड पर क्लिक करें और सारी डिटेल्स भर के रजिस्टर कर लें और फिर अपना डिपॉजिट अमाउंट आप ऐड करें। यहाँ पर क्लिक करके अमाउंट ऐड होती है, आप इन पैसों से अपने मन पसंदीदा गेम खेल सकते हैं। इसमें क्रिकेट के अलावा रमी, कैसीनो, टेबल गेम, अंदर बार और भी तरह तरह की वैरायटीज मिलेगी आपको। इसके साथ ही इस ऐप को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करने पर आपको ₹500 का वेलकम बोनस भी मिलेगा, जिसका इस्तेमाल आप स्टार पंटर पर गेम्स खेलने के लिए कर सकते हैं। इसलिए इंतजार किस बात का कर रहे हैं, अभी डाउनलोड करें और पैसे कमाएं। चलिए देखते हैं अपना पांचवा अपडेट। दोस्तों पहली इनिंग में अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा के पास एक बढ़िया मौका था भारतीय टीम को संभालने का और खुद को टेस्ट क्रिकेट के लायक साबित करने का, लेकिन दोनों ही पहली इनिंग में फ्लॉप हो गए और उनका फ्लॉप होने का सिलसिला पिछले 1.5 साल से जारी है। दोनों ही टेस्ट क्रिकेट के स्पेशलिस्ट हैं और अजिंक्य रहाणे गोल्डन डक पर आउट हुए थे। इसके साथ ही चेतेश्वर पुजारा ने सिर्फ 3 रन बनाया था, इनसे ज्यादा बेहतर तो जसप्रीत बुमराह ने खेला था जो 14 रन बनाए थे। तो इसी को देखते हुए सुनील गावस्कर काफी ज्यादा नाराज हुए और उन्होंने बयान दिया कि चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे के पास इस दूसरे टेस्ट मुकाबले का एक इनिंग बचा हुआ है, यदि उसमें अच्छा प्रदर्शन या नहीं करते हैं तो फिर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। हालांकि दूसरी इनिंग में दोनों अच्छा खेल रहे हैं और इस
इनिंग से दोनों को प्रूव करना है कि वह भारतीय क्रिकेट टीम में जगह डिजर्व करते हैं। चलिए देखते हैं अपना छठा अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है कल के मुकाबले की हीरो रहे शार्दुल ठाकुर की तरफ से। दूसरे दिन के खेल में शार्दुल ठाकुर ने साउथ अफ्रीका की टीम की कमर तोड़कर रख दी और मात्र 61 रन देकर 7 विकेट झटक लिए और अभी तक के साउथ अफ्रीका और भारत के मुकाबले का सबसे बेहतरीन फिगर डाला है। इसके पहले हरभजन सिंह और रविचंद्रन अश्विन ने 7 विकेट लिए हैं लेकिन उन्होंने ज्यादा रन दिए थे और इसके जो स्टैट्स हैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। शार्दुल ठाकुर अपने करियर का सबसे बेहतरीन दौर से गुजर रहे हैं जहां पर आईपीएल में भी चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट उन्होंने लिया था। क्रिकेट के जगत के हर दिग्गज ने काफी ज्यादा तारीफ किया शार्दुल ठाकुर का और कहा कि शार्दुल ठाकुर में वह पोटेंशियल है कि वह एक बड़ी खिलाड़ी बन सकते हैं, तो शार्दुल ठाकुर के लिए एक लाइक तो बनता ही है। चलिए देखते हैं अपना सातवां अपडेट। दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे मुकाबले 19 जनवरी से शुरू होंगे और दो दिन पहले ही भारतीय टीम का वनडे स्क्वाड घोषित किया गया था और कल साउथ अफ्रीका ने भी अपना वनडे स्क्वाड घोषित कर दिया। 17 सदस्यीय स्क्वाड घोषित किया उन्होंने जिसमें मार्को जेनसन को शामिल किया गया और वह अपना डेब्यू करने वाले हैं। इसी टेस्ट सीरीज से मार्को जेनसन ने टेस्ट में डेब्यू किया था और सबको इम्प्रेस किया। इसके साथ ही क्विंटन डीकॉक जिन्होंने हाल में संन्यास लिया था टेस्ट क्रिकेट से वह वनडे क्रिकेट में वापसी करेंगे। इस स्क्वाड के कप्तान रहेंगे टेम्बा बबूमा और केशव महाराज रहेंगे वाइस कैप्टन। एनरिक नोकिया अभी तक ठीक नहीं हुए हैं और उन्हें स्क्वाड में जगह नहीं मिला और पूरी लिस्ट आप यहां पर भी देख सकते हैं और यह 17 सदस्यीय स्क्वाड का जो पूरी लिस्ट है वह आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी देख सकते हैं, हमने कल ही अपलोड किया था। चलिए देखते हैं अपना आठवां अपडेट। दोस्तों पहले और दूसरे दिन के खेल के बाद कुछ बड़े रिकॉर्ड्स बने हैं। जहां पर आपको बता दें अजिंक्य रहाणे अपने टेस्ट करियर में पहली बार गोल्डन डक पर आउट हुए थे। गोल्डन डक का मतलब होता है पहली बॉल पर आउट होना। भारतीय टीम ने जोहान्सबर्ग में 6 मुकाबले खेले हैं और 6 मुकाबले में अलग अलग कप्तान रहे हैं जिसमें से छठे कप्तान है केएल राहुल। गगिसू रबाडे ने कल अपना 150 विकेट पूरा किया। अजिंक्य रहाणे 25 इनिंग और चेतेश्वर पुजारा 45 इनिंग से एक भी शतक नहीं लगा पाए हैं। वैसे इस तरह के जो स्टैट्स होते हैं वह आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर हम देंगे और देते रहते हैं, तो जरूर से ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वैसे आपको बता दें साउथ अफ्रीका के रासी वंडर डूसन जो आउट हुए थे वह बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल था और साउथ अफ्रीका की मैनेजमेंट से बिल्कुल भी उसे खुश नहीं है और इसको लेकर साउथ अफ्रीका की टीम मैनेजमेंट मीटिंग करने वाले हैं और इसको लेकर डिस्कशन होने वाला है और इस कॉन्ट्रोवर्शियल आउट का वीडियो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। आपने नहीं देखा है तो देखकर डिसाइड करें कि वह आउट थे या नहीं। तो दोस्तों इन अपडेट्स के अलावा भी और भी ढेर सारी जानकारी आपको हम अपने आने वाली वीडियोस में देंगे, तो हमारे साथ बने रहें और आईपीएल के लिए हम अलग से वीडियो बनाते हैं उन्हें भी अपना प्यार जरूर दें। तो मिलते हैं अपनी अगली किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।